हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्या हालचाल? आज 8 मई दिन बुधवार, हिंदी तिथि अमावस्या। चलिए फटाफट आज की बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। करकरे को लेकर विजय वडेट्टीवार के बयान का थरूर ने किया समर्थन, देखे क्या कुछ कहा। महाराष्ट्र नेता विपक्ष विजय वडेट्टीवार दावा करते हैं कि हेमंत करकरे की मौत आतंकी की गोली से नहीं बल्कि आरएसएस के वफादार पुलिस अधिकारी की गोली से हुई थी। पूरे मामले पर शशि थरूर ने अपना बयान दिया है। उनका कहना है कि पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। देखें ये वीडियो। Which is an allegation that has been in the public domain for some time and which featured in a book by the respected former IG of police, Mr. Mushrif, who said that the bullets found in Hemant Karkare's body could not have been fired by the Kalashnikov of Ajmal Kasab and that they could have been fired by a police revolver. It seems to me that this allegation should have been seriously investigated, and it is not too late, because on such an important matter, the nation has every right to know what really happened. ईडी सीबीआई के बाद केजरीवाल पर अब एनआईए का शिकंजा, आतंकी संगठन से फंड लेने का लगा आरोप। एलजी वीके सक्सेना को विश्व हिंदू महासंघ की तरफ से लिखित शिकायत मिली थी, जिसमें आरोप लगाया गया है कि अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी को देवेंद्र पाल बुल्लर की रिहाई और खालिस्तान समर्थन भावनाओं को बढ़ावा देने के लिए चरमपंथी खालिस्तानी समूह से 16 मिलियन अमेरिकी डॉलर मिले थे। केजरीवाल के खिलाफ एनआईए जांच की सिफारिश, सौरभ भारद्वाज ने एलजी को बताया बीजेपी का एजेंट। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। दिल्ली के एलजी ने केजरीवाल के खिलाफ एनआईए जांच की मांग उठाई है। केजरीवाल पर सिख फॉर जस्टिस आतंकी संगठन से फंड लेने के आरोप लगे हैं। आम आदमी पार्टी ने भी एलजी पर पलटवार किया है। वीरेंद्र सचदेवा, प्रदेश अध्यक्ष दिल्ली बीजेपी, ने क्या कहा, देखें ये वीडियो। इस जांच का स्वागत करता हूं। ये साक्ष्य पहले भी कई बार आए हैं कि आम आदमी पार्टी के नेता जो देश के दुश्मन हैं उनके लगातार संपर्क में रहते हैं। हमने पंजाब के चुनावों में भी देखा, उन लोगों से भी संपर्क किया जो हमेशा पंजाब के टुकड़े करने की बात करते हैं। और ये सार्वजनिक रूप से ये वीडियो प्रचारित हो ही रहा था कि 16 मिलियन डॉलर एक आम आदमी पार्टी को दिए गए हैं राजनीतिक फंडिंग के रूप में। गंभीर आरोप है। ऐसे लोग जो देश के दुश्मन हैं, देश को तोड़ने की बात करते हैं, उनसे इस तरह की राजनीतिक फंडिंग लेना, ये वही लोग कर सकते हैं जिनका राजनीतिक चरित्र इतना शून्य हो चुका है, उनको देश की अस्मिता से भी मोहब्बत नहीं है, देश से बिल्कुल लगाव नहीं है। तो ऐसे लोगों के खिलाफ अगर जांच होती है, कार्रवाई होती है, तो उसका हम स्वागत करते हैं। जौनपुर, वाराणसी, बस्ती, बसपा में प्रत्याशियों पर कंफ्यूजन, अब तक 14 सीटों पर बदले उम्मीदवार। बसपा चीफ मायावती एक दो नहीं बल्कि एक दर्जन से अधिक सीटों पर अपने उम्मीदवारों को बदल चुकी हैं। इसके बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का बाजार तेज है कि क्या बसपा सुप्रीमो प्रत्याशियों को लेकर कंफ्यूज हैं। हालांकि ऐसा क्यों किया जा रहा है, इसको लेकर पार्टी की तरफ से कोई बयान जारी नहीं किया गया है। सिर्फ प्रत्याशी बदलने की प्रक्रिया बदस्तूर जारी है। जो आप लोग देख रहे हैं वही हम भी देख रहे। झारखंड के मंत्री ने दी सफाई। झारखंड में ईडी को बड़ी कामयाबी मिली। जानकारी के मुताबिक करीब 30 करोड़ कैश की बरामदी झारखंड के मंत्री आलमगीर आलम के निजी सचिव के नौकर के घर से हुई है। इस बारे में पूछे जाने पर झारखंड के मंत्री ने कहा है कि सचिव सरकारी मुलाजिम और पहले भी दो मंत्रियों का पीए रह चुका है। लाल एक सरकारी मुलाजिम है, वो हमारा पीएस है, और हम लोग भी जब भी पीएस में सिलेक्शन करते हैं तो अनुभव के आधार पर करते हैं। इसके पहले भी दो दो मंत्री का पीएस रह चुके थे। अब हम लाए हैं सरकारी मुलाजिम है। टीवी में आप लोग जो देख रहे हैं हम भी वही देख रहे हैं। अब ईडी का क्या निष्कर्ष आएगा बाद में बताया जाएगा। झारखंड में एक मंत्री के घर से 30 करोड़ रुपया जब्त हुआ है भाइयों, 30 करोड़। मुझे बताओ, जिन्होंने गरीब बंगाल की जनता का
पैसा लूटा है वो जेल की सलाखों के पीछे जाने चाहिए या नहीं जाने चाहिए? जोर से बोलो, जाने चाहिए या नहीं जाने चाहिए? नरेंद्र मोदी 23 साल से मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री है, उस पर 25 पैसे का भी कोई आरोप नहीं है मित्रों, कोई आरोप। जो खाएगा जेल की रोटी चबाएगा, रांची में कैश बरामदी पर बोले पीएम नरेंद्र मोदी। झारखंड में ईडी ने बड़ी छापेमारी की और 30 करोड़ से अधिक का नकदी राशि जब्त की है। इस मामले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी रैली में बयान दिया। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि वे गरीबों का दर्द समझते हैं। पीएम मोदी ने कहा कि वो किसी को एक पाई भी नहीं खाने देंगे। देखें ये वीडियो। सेवक को अवसर दिया, गरीब माँ का बेटा हूँ, मुझे गरीब का दर्द समझ आता है। मैंने कहा मैं रुपया एक भेजूंगा, एक पाई भी किसको खाने नहीं दूंगा, और जो खाएगा वो जेल जाकर के खाना खाएगा। जेल की रोटी चबाएगा। आपने देखा होगा, अभी घर जाओगे तो टीवी पे देखना, आज यहाँ पड़ोस में झारखंड में नोटों के पहाड़ मिल रहे हैं, नोटों के पहाड़। लोगों का चोरी किया माल पकड़ रहा है मोदी वहां। मुझे बताइए, मैं चोरी बंद कर दूं, इनकी कमाई बंद कर दूं, इनकी लूट बंद कर दूं, तो मोदी को गाली देंगे कि नहीं देंगे? देंगे कि नहीं देंगे? लेकिन गाली खा करके मुझे काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, आप मुझे बताइए। मुझे आपकी पाई पाई बचानी चाहिए कि नहीं बचानी चाहिए? आपके हक का पैसा बचाना चाहिए कि नहीं बचाना चाहिए? काशी में पीएम मोदी के रोड शो की तैयारी शुरू। 14 मई को वाराणसी में कर सकते हैं नामांकन। पीएम नरेंद्र मोदी का रोड शो 13 मई की शाम को होगा, इसके लिए तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। रोड शो को भव्य बनाने के लिए प्रमुख कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दी गई है। प्रधानमंत्री के रोड शो को लेकर मंगलवार को लोकसभा प्रबंधक समिति की बैठक हुई। इसमें रोड शो के रूट पर चर्चा की गई, साथ ही अलग अलग सामाजिक संगठनों की भागीदारी पर भी चर्चा की गई। खतरे में हरियाणा सरकार, 3 निर्दलीय विधायकों ने समर्थन वापस लेने का किया ऐलान। लोकसभा चुनाव के बीच हरियाणा सरकार से 3 निर्दलीय विधायकों ने समर्थन वापस ले लिया है। समर्थन वापस लेने वाले विधायकों में सोमवीर सांगवान, रणधीर गोलन और धर्मपाल गोंदर शामिल हैं। तीनों निर्दलीय विधायकों ने हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपिंदर सिंह हुड्डा और राज्य कांग्रेस प्रमुख उदय भान की मौजूदगी में समर्थन वापसी का ऐलान किया है। और ये लोगों की बात देख कर ही आज इन्होंने फैसला किया कि जो इन्होंने समर्थन दे रखा था, समर्थन वापस लिया है इन्होंने, और भारी बार से कांग्रेस पार्टी का समर्थन। मैं इसमें एक ही बात कह सकता हूँ कि ये इनका फैसला ठीक समय पर ठीक फैसला है। ये जानकारी आई है मेरे पास भी, कहीं विधायकों की कुछ इच्छाएं होती हैं और हर व्यक्ति आज इच्छा के साथ जुड़ा हुआ है, शायद क्योंकि कांग्रेस आजकल इच्छाएं पूरी करने में लगी हुई है और लोग समझ रहे हैं, लोग सब जानते हैं कि इसकी इच्छा क्या है। क्योंकि कुछ लोगों को, जैसे कांग्रेस है, कांग्रेस को जनता की इच्छाओं से मतलब नहीं है। दिल्ली के गेंदबाजों ने दिखाया दमखम, संजू की पारी बेकार, आरआर की लगातार दूसरी हार। आईपीएल 2024 के 17वें सीजन में मंगलवार को दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच दासु मुकाबला हुआ। इस मैच में ऋषभ पंत की कप्तानी वाली दिल्ली टीम के गेंदबाजों ने दमदार खेल दिखाया और आखिरी मौके पर राजस्थान के जबड़े से जीत छीन ली। हीटवेव पारा 40 के पार, दिल्ली समेत नॉर्थ इंडिया में भीषण गर्मी का अलर्ट। देश के राज्यों में भीषण गर्मी और लू का प्रकोप है, तो वहीं देश के कुछ इलाकों में बारिश और ओलावृष्टि की संभावनाएं बनी हुई हैं।
मौसम विभाग की माने तो पश्चिम बंगाल, सिक्किम, पूर्व मध्य प्रदेश, झारखंड और विदर्भ के कुछ हिस्सों में ओले गिरने की आशंका है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। हम मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।